सीमा एक विधवा औरत थी। हाल ही में एक एक्सीडेंट में उसके पति की मौत हो जाती। सीमा अपने बच्चों अंजलि और राहुल के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। सीमा के सर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। पति के जाने के बाद उसे बच्चों का भी ख्याल रखना था, साथ ही अपनी बूढ़ी सास विमला का भी ख्याल रखना था। इतना सब कुछ होने के बावजूद सीमा हार नहीं मानती और दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालती है। एक शाम सीमा काम करके घर की ओर आ रही थी। सीमा को एक खेत नजर आता है। उस खेत में काफी सुंदर सुंदर पालक लगे हुए थे। पालक देखकर सीमा को पालक की सब्जी खाने का मन करता है। इस खेत में कितने सुंदर पालक लगे हुए हैं, पालक देखकर तो आलू पालक की सब्जी बनाने का मन कर रहा है, क्यों ना थोड़े से पालक इसमें से तोड़ लूं। सीमा उस खेत में जाती है और थोड़े से पालक तोड़ने लगती है। तभी वहां खेत का मालिक आ जाता है और वो सीमा पर गुस्सा करते हुए कहता है, अरे अरे, तुम्हें चोरी करते हुए शर्म नहीं आई क्या? अगर पालक चाहिए थी तो मुझसे मांग लेती, लेकिन तुम मुझसे बिना पूछे मेरे खेत में जाकर पालक तोड़ रही हो। माफ करना भाई साहब, मुझसे भूल हो गई। मुझे ये खुला हुआ खेत नजर आया तो मैंने सोचा थोड़े से पालक ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे पालक की सब्जी खाने का मन कर रहा था। बाकी आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। ऐसे कैसे जाओगी? अब जब तुमने पालक तोड़ ही ली है तो ले लो, लेकिन आगे से ध्यान रखना, कभी किसी के खेत में इस तरह से मत जाना, और जब तक खेत के मालिक से तुम्हें परमिशन ना मिले तब तक उसकी सब्जियों को हाथ भी मत लगाना। ठीक है भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी मैंने आपसे बिना पूछे आपके खेत में पालक को तोड़ा, उसके लिए मैं तहे दिल से आपसे माफी चाहती हूँ। सीमा वो पालक लेकर अपने घर आ जाती है। सीमा उन पालक को धोकर एक थाली में रख देती है। सीमा जैसे ही चाकू से पालक काटने ही वाली थी कि तभी पालक से आवाज आती है, सीमा हमें मत काटो, हम कोई आम पालक नहीं है बल्कि एक जादुई पालक है, और अगर तुमने हमें काट दिया तो हम मर जाएंगे। अरे कौन है, मेरे सामने आओ। अरे तुम एक बार पालक की ओर देखो, अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा कि यह तुमसे बातें कर रहे हैं। सीमा पालक की ओर देखती है। क्या जादुई पालक, ये कैसे हो सकता है? और अगर तुम जादुई पालक हो तो मेरे पास क्या कर रही हो, अपनी दुनिया में वापस जाओ। हमें उस खेत से तोड़कर भी तो तुम ही लाई हो ना, तो अब हम तुम्हारे ही साथ रहेंगे। बस तुमसे यह विनती है कि तुम हमें मत काटो, अगर तुमने हमें काट दिया तो हम मर जाएंगे। मुझे नहीं पता था कि तुम जादुई पालक हो। माफ करना अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो। मैं तो बस मेरा आलू पालक खाने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने पालक तोड़ लिया। अगर मुझे पता होता कि तुम जादुई हो तो मैं तुम्हें कभी नहीं तोड़ती। तुम बहुत मासूम हो। अगर तुम्हारा आलू पालक खाने का मन कर रहा है तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम अभी तुम्हारी इच्छा पूरी कर देते हैं। इतना बोलकर वह जादुई पालक सीमा के सामने बहुत ही स्वादिष्ट आलू पालक की सब्जी और पराठे प्रकट कर देती है। यह देखकर सीमा बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, खाना दिखने में काफी स्वादिष्ट है। आज तो मेरे बच्चे और मेरी सासू माँ पेट भर के खाना खाएंगे। ऐसा लग रहा है बरसों बाद आज हमारे घर में बढ़िया खाना आया है। रुको, मैं तुम्हारे लिए मीठे में अभी कुछ मंगाती हूँ। इतना बोलकर जादुई पालक सीमा के आगे मीठे में खीर और गुलाब जामुन मंगा देती है। यह देखकर सीमा बहुत खुश होती है। थोड़ी देर में सीमा के बच्चे और सास वहां पर खाना खाने के लिए आ जाते हैं। बच्चे इतना बढ़िया खाना देखकर बोलते हैं, अरे वाह माँ, आज तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है, आज तुम्हारी सैलरी मिली है क्या? अरे तुम खाना खाओ ना, कितना सवाल जवाब करती हो। अरे माँ, बताओ ना, आज कुछ स्पेशल है क्या? जो तुमने गुलाब जामुन और ये पराठे बनाए हुए हैं, ये सब खाए हुए तो बरसों हो गए थे। मैं जानती हूँ कि जब तुम्हारे पापा जिंदा थे तभी तुम लोगों ने अच्छा खाना खाया है, और जब से तुम्हारे पापा हमें छोड़कर गए हैं तब से तुम्हें रूखा सूखा ही खाने को मिल रहा था। लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम्हारी माँ है ना तुम्हारे साथ, तुम्हें रोज अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा। और माँ जी, आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप भी पेट भर के खाना खाओ।
सच में बहू हो तो तेरे जैसी, इतना सब कुछ होने के बावजूद तूने ना बच्चों का साथ छोड़ा और ना मेरा साथ छोड़ा, बल्कि हम सबकी माँ बनके हमें एक साथ लेकर चल रही है। माँ जी, आप सब तो मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। एक मेरी किडनी है, एक मेरा दिल और एक मेरी सांसें, जिसके बिना मैं रह नहीं सकती। अच्छा माँ, तुम अपने लिए भी तो निकालो। अब जब हम खाना खा ही रहे हैं तो साथ में ही खाते हैं ना। सीमा अपने परिवार के साथ पेट भर के खाना खाती है। उसके बाद रात के बर्तन और साफ सफाई करने के बाद वह अपने परिवार के साथ सो जाती है। ऐसे ही अगली सुबह सीमा फिर से दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए काम पर जाती है। वहां पर एक अनिल नाम का आदमी था। सीमा दिखने में काफी सुंदर थी। अनिल की बुरी नजर सीमा के ऊपर थी। वह बार बार सीमा को परेशान किया करता था। देखो, मैं एक गरीब विधवा हूँ और अगर किसी गरीब विधवा को परेशान करोगे ना तो तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। भलाई इसी में है कि ऊपर वाले से डरो। अगर बुरे कर्म करोगे तो तुम्हें बुरा फल ही मिलेगा। अरे बुरे फल की चिंता कौन करता है, तुम्हें देखकर तो अच्छे अच्छे का मन डोल जाए। रुको, तुम ऐसे नहीं मानोगे। सीमा आंखें बंद करके जादुई पालक को याद करने लगती है। जादुई पालक सीमा को अपनी जादुई शक्तियों से काफी ताकतवर बना देते हैं। सीमा एक औरत होने के बावजूद अनिल को बहुत बुरी तरह से मार मार के धूल चटा देती है। अनिल भी सीमा की यह ताकत को देखकर डर जाता है। अरे तुम्हें क्या हो गया अचानक से? कौन कहेगा कि तुम एक विधवा अबला नारी हो? तुम्हारे अंदर इतनी सारी शक्तियां कैसे आ गई? तुम जरूर कोई देवी हो। तुम्हारे अंदर कोई देवी प्रवेश कर गई है, तभी तुमने मुझ पर इस तरह से हमला किया। मैं अब यहाँ काम नहीं करूँगा। इतना बोलकर अनिल वहाँ से भाग जाता है। आसपास खड़े सभी लोग सीमा को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसकी इस बहादुरी पर तालियां बजाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सीमा अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद वह जादुई पालक से कहती है, वैसे एक बात कहूँ जादुई पालक, जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो ना, तब से कुछ ना कुछ अच्छा ही हो रहा है। अब मुझे किसी से डर नहीं लगता। अब जब भी मेरे साथ कुछ भी होता है ना, तो मैं आंखें बंद करके तुम्हें याद करती हूँ और तुम मेरी मदद करने के लिए वहां आ जाते हो। सच में तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आजकल के समय में लोग अपने मतलब के लिए ही हमें याद करते हैं। तुम बहुत अच्छी हो, तुमने कभी अपने स्वार्थ के लिए मुझसे कुछ नहीं मांगा। वैसे अब तुम चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। जादुई पालक सीमा की गरीबी को दूर करने में उसकी मदद करता है। सीमा के लिए वह बहुत बड़ा सुंदर सा घर बना देता है। उस घर में जरूरत का हर सामान था। सीमा के पास अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। दूर दूर से लोग सीमा से आर्थिक मदद लेने के लिए उसके पास आया करते थे। ऐसे ही एक दिन सीमा की बहन रीमा कुछ दिनों के लिए सीमा के घर आ जाती है। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें, अचानक से ऐसा क्या हो गया जो तुम इतनी अमीर हो गई? तुम्हारे पास घर, बंगला, गाड़ी, पैसा सब कुछ आ गया। पति के जाने के बाद तो तुम बहुत कंगाल हो चुकी थी मेरी बहन, अचानक से ये सब। अरे बहन, तू आम खा, गुठलियां क्यों गिन रही है? और वैसे भी तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरी बहन ने अकेले इतना सब कुछ कर लिया। अब कैसे क्या हुआ यह जानने की कोशिश मत कर। हाँ हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ तेरी खुशी में। मैं तो बस मैं पूछ रही थी, कहीं तू कोई गलत काम तो नहीं करने लग गई। मैं सीमा हूँ, गरीबी में दो रोटी कम खाना पसंद करूंगी, लेकिन कभी भी गलत काम नहीं करूंगी। इसलिए तू तो मुझे मत ही बता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। याद करती हूँ वो दिन जब मेरे पति मुझे छोड़कर गए थे, तब एक भी रिश्तेदार ने मेरा साथ नहीं दिया। हर किसी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। अच्छा चल सब छोड़, अब जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे। सीमा अपनी बहन के लिए नाश्ता वगैरह बनाने लगती है। रीमा की नजर सीमा की तरक्की के पीछे थी। वह जानना चाहती थी कि अचानक ऐसा क्या हुआ जिस वजह से सीमा की किस्मत इतनी बदल गई। सीमा किचन में जादुई पालक से बातें कर रही थी। जादुई पालक, देखो मैं जानती हूँ कि तुमने मेरी बहुत मदद की है। आज मैं जो कुछ भी हूँ वह सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ।
लेकिन अब मेरी तरक्की देखकर ना हर कोई यह जानने की कोशिश कर रहा है कि अचानक से क्या हुआ जो मैं इतनी अमीर हो गई। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरी गैर मौजूदगी में मेरे पूरे परिवार और मेरे घर के ऊपर अपनी नजरें बनाए रखना, ध्यान देना है तुम्हें। अरे सीमा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तुम्हें किसी भी चीज की कोई चिंता नहीं होगी। रीमा अपनी बहन और जादुई पालक की सारी बातें सुन लेती है। वह समझ जाती है कि उसकी बहन की तरक्की के पीछे जादुई पालक का हाथ है। ऐसे ही रात को सभी लोग घर में खाना खाकर सो जाते हैं। रीमा उठकर रसोई घर में जाती है और वह जादुई पालक को चुरा कर अपने बैग में रख लेती है और अगली सुबह बिना किसी को बताए वहां से जाने लगती है। रीमा जैसे ही अपना कदम घर की चौखट पर रखती है, अचानक से उसे एक करंट लगता है और वह पीछे की ओर गिरती है। तभी वहां पर सीमा आ जाती है और सीमा उसे संभालने लगती है। अचानक से जादुई पालक उसके बैग में से निकल जाता है और बोलता है, सीमा यह तुम्हारी बहन नहीं बल्कि तुम्हारी असली दुश्मन है। यह तुम्हारा यहाँ हाल चाल लेने नहीं बल्कि तुम्हारी कामयाबी पर नजर लगाने आई थी। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी रीमा कि तुम अपनी बहन के लिए यह सब भी करोगी। हाँ तो तुझे क्या लगता है कि जादुई शक्ति की असली हकदार तू ही है क्या? कम से कम अगर तूने गलती की है तो उसे गलती को मान तो सही। सीमा अपनी बहन से कह दो कि वह जादुई शक्तियों के बारे में कभी किसी से कुछ ना कहे। मैं तो बताऊंगी, वो कहते हैं ना खुद भूखी रहूंगी तो सामने वाले को भी भूखा ही रखूंगी। रीमा जादुई पालक और सीमा के सामने बहस करने लगती है। तभी जादुई पालक अपनी शक्तियों से रीमा की एक हफ्ते पहले की याददाश्त ही खत्म कर देता है। अच्छा बहन, तेरे घर आके बहुत अच्छा लगा, अब मैं चलती हूँ यहाँ से, ध्यान रखना अपना। इतना बोलकर रीमा वहां से चली जाती है। तभी सीमा जादुई पालक से कहती है, अरे अचानक से इसे क्या हुआ? तुम्हारी बहन बहुत चालाक है, इसलिए मैंने इसके दिमाग से वह याददाश्त ही मिटा दी जो हमारे लिए हानिकारक थी। इसने जादुई पालक के बारे में क्या सुना क्या देखा वह मैंने सब कुछ हटा दिया ताकि यह किसी को कुछ भी ना बता पाए कि तुम्हारी तरक्की के पीछे किसका हाथ है। सीमा जादुई पालक का फिर से शुक्रिया अदा करती है। इस तरह से जादुई पालक सीमा की मदद करता है और हर अच्छे बुरे सिचुएशन में उसका साथ देता है। प्रमोद 11 साल का था। वह अपनी दादी के साथ एक गांव में रहता था। उसकी दादी ने आंगन में एक पपीते का पेड़ लगाया था और अब प्रमोद के साथ साथ वह पपीते का पेड़ भी काफी बड़ा हो गया था। लेकिन प्रमोद देखता है कि उसके आसपास जितने भी पपीते के पेड़ थे उन सब पर पपीता आ रहा था, लेकिन उस पेड़ पर कभी पपीता नहीं आता था। दादी, तुमने जो पपीते का पेड़ लगाया था उस पर पपीते क्यों नहीं आते? पड़ोस में जितने भी पपीते के पेड़ हैं उन सब पर तो बहुत सारे पपीते आते हैं। बेटा, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पेड़ पर फल नहीं आते, पर दिक्कत क्या है, आंगन में हरियाली तो है ना? पर दादी, आंगन में जगह भी तो गिर रही है। बेटा, 2 साल और इंतजार कर लेते हैं। अगर तुझे लगे कि सचमुच में पपीते का पेड़ जगह घेर रहा है तो तुम उसे हटा देना, बात आई गई हो जाती है। प्रमोद कॉलेज के आखिरी साल में था, अपनी पढ़ाई में इतना व्यस्त हो गया कि पपीते के पेड़ का ख्याल उसे आया ही नहीं, और जब उसका कॉलेज खत्म हो गया तो वह इधर उधर नौकरी की तलाश में घूमने लगा, लेकिन उसे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिल रही थी, जिस कारण वह धीरे धीरे बहुत चिड़चिड़ा और निराश हो गया। उनके पड़ोस में रहने वाले कपिल के बेटे को नौकरी मिल गई थी। वह मिठाई का डब्बा लेकर दादी के पास आता है। अरे अम्मा, मेरे बेटे को शहर में नौकरी मिल गई है, देखो कितना काबिल निकला। प्रमोद और वो एक ही तो उम्र के हैं, लेकिन देखो आपका प्रमोद अभी तक कुछ नहीं कर पाया। कभी कभी कुछ चीजें बड़ी देर से होती हैं। मेरे प्रमोद को भी नौकरी मिल जाएगी, उसे ये सुनाकर परेशान मत करो। अब तुम यहाँ पर अपने बेटे की खुशी के लड्डू देने आए हो या मेरे प्रमोद को ताना देने? कपिल मिठाई देकर हंसता हुआ वहां से चला जाता है। दादी, तुम्हें भी लगता होगा ना मैं कितना नालायक हूँ कि मुझे कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही। मुझे तो लगता है उस पपीते के पेड़ की तरह मेरी किस्मत भी खाली है, ना उस पर फल आते हैं और ना ही मुझे नौकरी मिलती है।
पर बेटा वह अपना एहसास तो कराता है ना। तुम भी तो बस पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाते हो। नौकरी भी मिल जाएगी। तुम कितनी बूढ़ी हो गई हो दादी, कब तक काम करती रहोगी? मैंने देखा है अब तो तुम्हें सुई में धागा डालने में भी कितनी दिक्कत होती है, और फिर पूरा दिन मशीन पर बैठकर कपड़े सिलती रहती हो। बस बेटा, तेरी नौकरी लगते ही सब छोड़ दूंगी। प्रमोद उदास होकर पपीते के पेड़ के पास आता है और उसके तने को पकड़कर कहता है, लगता है मेरी किस्मत भी तुम्हारी किस्मत की तरह सोई हुई है। पर मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई, जब भी मेरे साथ कुछ बुरा होता है मुझे तुम्हारी याद क्यों आती है? मैं हमेशा तुम्हें लेकर अपने आप क्यों सोचने लगता हूँ? ये कहकर प्रमोद वहीं नीचे बैठकर रोने लगता है। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वह पपीते के पेड़ की तरफ देखता है तो हैरान हो जाता है। उस पर एक पका पपीता लगा हुआ था। ये देखकर वह खुश हो जाता है और उस पपीते को तोड़ लेता है। दादी दादी देखो, ये तो करिश्मा हो गया। मैं अभी पपीते के पेड़ के पास गया तो कुछ भी नहीं था, और थोड़ी ही देर में देखो ये पका पपीता उस पर लगा हुआ था। देखा ना, मैं कहती थी एक दिन सबकी किस्मत चमकती है। देखो पपीते के पेड़ पर भी पपीता आ ही गया। अब देखना तुम्हारा काम भी बन जाएगा। प्रमोद जल्दी से चाकू उठा लाता है और पपीते को धोकर जैसे ही उसे काटता है, उसके बीजों की जगह पर वहां पर सोने के सिक्के रखे हुए थे। ये देखकर प्रमोद और उसकी दादी दोनों हैरान हो जाते हैं। इसमें तो सोने के सिक्के हैं, इसका मतलब यह एक जादुई पपीता है। कितनी अच्छी बात है, अब तुम इनको किसी को बेच दो और अपना काम शुरू कर दो। शायद किस्मत को यही मंजूर है कि तुम नौकरी ना करके अपना काम करो। तुम सही कह रही हो दादी, मुझे कोई अपना काम ही करना चाहिए। अगले दिन सुबह प्रमोद अपनी दादी के साथ एक सुनार के पास जाता है और उन सोने के सिक्कों को बेचकर एक मोटी रकम ले आता है। इतना पैसा एक साथ आया देख प्रमोद को पंख लग जाते हैं। वे जल्दी जल्दी उन सारे पैसों से महंगी चीजें खरीद लेता है। ये तुम क्या कर रहे हो प्रमोद, तुमने तो इन पैसों से कोई काम शुरू करना था और तुम ये सब खरीद लाए हो। दादी मैं बचपन से चाहता था कि मेरे पास इतनी सारी चीजें हों, अब मैं कोई काम शुरू करूंगा। प्रमोद फल बेचने का काम शुरू करता है, लेकिन उसका मन उसमें बिल्कुल भी नहीं लगता। काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन वह फिर पपीते के पेड़ के नीचे खड़ा होकर उससे बातें करता है और उससे एक और पपीता देने के लिए कहता है। थोड़ी ही देर में वहां पर एक और पका पपीता लगा हुआ मिलता है। प्रमोद उसे तोड़ लेता है, उसमें से भी सोने के सिक्के निकलते हैं। वे उन्हें बेचकर और पैसे ले आता है। दादी और प्रमोद को इतना अमीर होता देख कपिल के मन में उनके प्रति शक हो जाता है। वे उनसे बार बार आकर इतनी तरक्की का कारण पूछता है। तुम कुछ तो छुपा रहे हो अम्मा, मैं जानता हूँ प्रमोद ने फल बेचने का काम शुरू किया था, लेकिन अब वो बंद है। फिर तुम लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? वैसे तो तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, लेकिन अगर तुम्हें जानना ही है तो मैं बता देती हूँ। मेरे पास कुछ पुराने गहने थे, वह हमने बेच दिए। कपिल को ये बात हजम नहीं होती। वह चुपके से रात को दादी और पोते की बात सुनता है। देखो बेटा, अगर तुम इसी तरह जादुई पपीते की मदद से अमीर होना चाहते हो तो यह तुम्हारी गलत बात है। एक दिन वह पेड़ पपीता देना बंद कर देगा। आगे चलकर तुम्हारी उम्र भी ज्यादा हो जाएगी, फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे और ये पैसा भी खत्म हो जाएगा। मेरी बात मानो, तुम दिल लगाकर कोई काम शुरू कर दो। दादी जब हमारे पास जादुई पपीता है तो हमें काम करने की क्या जरूरत है? इस बार मैं जितना भी पैसा लूंगा मैं सब ऐसे ही रख दूंगा और उन्हें धीरे धीरे खर्च करूंगा। तुम बहुत पछताओगे प्रमोद, तुम मेरी बात ही नहीं सुनते हो। अब कपिल पूरा टाइम प्रमोद पर नजर रखता और एक दिन वह देखता है कि प्रमोद पपीते के पेड़ के पास गया और वहां से उसने एक पका पपीता तोड़ा और अगले दिन सुनार से बहुत सारा पैसा ले आया। उसी रात कपिल पपीते के पेड़ के पास जाता है और उससे पका पपीता मांगता है।
लेकिन बहुत देर तक भी उस पर पका पपीता नहीं आता, तब वह गुस्से में उस पेड़ को काट कर फेंक देता है। अगले दिन सुबह जब प्रमोद देखता है कि वहाँ पपीते का पेड़ नहीं है तो वह बहुत दुखी होता है। लगता है किसी ने पेड़ को काट दिया है बेटा, अब तुम्हारे पास जितना पैसा है तुम इसी में ही कुछ ना कुछ करने की कोशिश करो, वरना यह सब पैसा भी खत्म हो जाएगा और अब तो पपीते का पेड़ भी नहीं है। हाँ दादी, तुम सही कह रही हो, अब तो ज्यादा पपीता भी नहीं है और मुझे इन्हीं पैसों से काम करना होगा। दादी घर से बाहर जाती है और उस पपीते के पेड़ को ढूंढने लगती है। काफी दूर जाने पर उन्हें वह पपीते का पेड़ गिरा हुआ मिलता है। वह पूरी हिम्मत के साथ उसे पपीते के पेड़ को उठाकर अपने घर के पीछे लगा देती है। तुम भी सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें यहाँ पीछे क्यों लगाया है, अंदर क्यों नहीं लगाया। तुम्हारा दिया हुआ जादुई पपीता मेरे पोते के लिए अभिशाप बन गया है, वह कुछ करना नहीं चाहता, इसीलिए तुम उसके आगे ना रहो, यही अच्छा है। प्रमोद इन पैसों से काम शुरू करता है, लेकिन फिर उसका मन काम में नहीं लगता। उधर दादी की देखभाल से वह पपीते का पेड़ वापस से हरा भरा हो जाता है। धीरे धीरे प्रमोद सारा पैसा भी खर्च कर देता है। फिर वह घर के उस सामान को बेचना शुरू कर देता है जो उसने खरीदा था। धीरे धीरे करके वह वापस एक गरीब बन जाता है। दादी ये मैंने क्या कर दिया, सारे पैसे खत्म हो गए, सारा सामान बिक गया, अब मैं क्या करूं? बेटा एक कहावत है कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता, क्योंकि वह उसे पचाने के लिए मेहनत ही नहीं करता, और तुमने भी वही सब किया। अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं अब बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, काम भी नहीं कर पाऊंगी, हो सकता है एक दो साल में मर भी जाऊं, पर उसके बाद तुम्हारा क्या होगा। अब प्रमोद को बड़ी चिंता होने लगी। पढ़ने लिखने के बाद भी वह नौकरी नहीं कर रहा था और कोई काम उसने किया ही नहीं। अपनी हालत देखकर उसकी आंखें खुल जाती हैं और वह मेहनत मजदूरी करने लगता है, और जैसे ही उसे पहली तनख्वाह मिलती है वह बहुत खुश होता है और रोते रोते अपनी दादी से कहता है, दादी देखो ये मेरी मेहनत का पैसा है और इसकी कीमत मुझे पता चल गई है। तुम्हें पता है आज जब मैं घर आ रहा था तो मुझसे 1 रुपए के गिलास का पानी भी नहीं खरीदा गया। मैंने सोचा घर है ही कितनी दूर, घर जाकर पी लूंगा। बस बेटा मैं यही चाहती थी कि तुम्हें पता चले कि मेहनत क्या होती है, उसका फल क्या होता है। सोचो अगर तुम्हें वापस से वह जादुई पपीता मिल जाए तो तुम क्या करोगे? ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा, जितना पैसा मुझे मिलेगा उसे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। कसम से दादी मुझे पता चल गया है कि पैसे की क्या कीमत है। दादी उसके सर पर हाथ फेरती है। अगले दिन सुबह प्रमोद का जन्मदिन था। दादी घर के पीछे जाती है और पपीते के पेड़ से पपीता मांगती है। तभी वहां पर एक पका पपीता आ जाता है। दादी उसे लेकर आती है और प्रमोद को देते हुए कहती है, यह तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा है बेटा, ये भी जादुई पपीता है, लेकिन इस बार तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है। प्रमोद बहुत खुश होता है। फिर वह जादुई पपीते से मिले हुए सोने के सिक्कों को बेचकर बहुत सारा पैसा लेकर आता है और उससे अपना एक व्यापार शुरू करता है, जिसमें वह बहुत दिल जान से मेहनत करता है और थोड़े ही दिनों में वह उन पैसों में और भी बढ़ोतरी कर देता है। यह हुई ना बात, बेटा तुमने उस जादुई पपीते का सही इस्तेमाल किया है। पर दादी वह तो आंगन में था ही नहीं, फिर तुम्हें जादुई पपीता कहां से मिला? फिर दादी उसे बता देती है कि वह पेड़ तो घर के पीछे लगा हुआ है। नहीं दादी इस बार मैं लालच में नहीं आऊंगा, मैं अपनी मेहनत के पैसों से ही अपने जीवन का गुजारा करूंगा। और प्रमोद की बात सुनकर दादी और प्रमोद गले लग जाते हैं।